दोस्तों रिया जी आ रहे हैं लेके सूरन को। ये देखिए कितना बड़ा हम लोग का सूरन है। गिर गई गिर गई गिर गई। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है विजय रिया ब्लॉग्स में। और अभी सुबह के अभी 8 बज रहे हैं और आप सभी लोग को हमारे ओर से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। इधर सुबह सुबह हम लोग आ गए हैं प्यारा सा घर में और इधर दौर खोल रहे हैं चांदनी के पापा। इधर जो हम लोग यहाँ बेड देंगे इसीलिए और चांदनी इधर बैठी हुई है। हाँ। और मिठू के साथ खेल रही है। और इधर तो दोस्तों आप सभी लोगों को मेरी ओर से भी प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा घर पूरी तरह से तैयार हो गई है, रूम भी बन गए हैं और किचन भी हम लोग बना ही लिए है। तो दोस्तों बाकी रह गई थी हमारी बाउंड्री, तो उसी के लिए हम अभी हाँ बेटा हाँ उसी लिए अभी हम लोग दर खोद रहे थे और यहाँ बाउंड्री करेंगे दोस्तों, ताकि सेफ रहेगा क्योंकि ये घर हम लोग का थोड़ा सा फंका जगह पे है और जानवर उमर से भी बचेंगे और थोड़ा सेफ रहेगा बाउंड्री करने से। और दोस्तों ये रहा हमारा प्यारा सा किचन जो पूरी तरह से तैयार हो गई है और अंदर भी हम लोग लेस दिए हैं दोस्तों। हाँ कल लेस है, उसे लोग थोड़ा सा दिखा रहे हैं। रिया जी और हम मिल करके कल अच्छे से लेस दिए हैं जमीन को, क्योंकि अंदर में पूरा सूखा नहीं है तो अंदर अभी जाएंगे नहीं। थोड़ा गीला। और चांदनी इधर खेल रही है मिठू के साथ। हाँ नहीं थोड़ा सा यहाँ दाब दे दिए तो खराब हो गया। और देखिए हमारा किचन अभी एक दो दिन लगेंगे दोस्तों सूखने में, और बाउंड्री कर देंगे तो और भी सुंदर लगेंगे हमारे घर दोस्तों। और आज का मौसम तो काफी तेज, आज धूप निकला है तो भी हम लोग खाना भी नहीं बनाए दोस्तों, सुबह ही आना पड़ता है। हाँ तो अभी जा करके हम लोग खाना बनाएंगे। तो आज क्या बनाइएगा बताइए, रिहा जी से पूछ रहे हैं ओल का सब्जी बनाएंगे। ओल का सब्जी बनाएंगे दोस्तों, इधर मिल जाएंगे ओल हमारे। अच्छा लगता है। हाँ लगता है ना, ओल के सामने चिकन मटन सब पहले। हाँ। बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी होता, तो चलिए ले लीजिए सामान ले लीजिए कोड़ने का। हाँ कोड़ने का ले लीजिए। तो रिया जी घर को लगा दे रहे हैं और लोग चलेंगे अब खाना का तैयारी करने। हावड़ा और पथिया ले लिए ओल कोड़ने के लिए। चलो बेटा चलिए, काफी तेज गर्मी है बहुत तेज है आज। चलिए पहले हम लोग ओल को खोद लेंगे दोस्तों जमीन से। ताजा ओल का सब्जी आज बनाएंगे, बहुत ही स्वादिष्ट होता है दोस्तों ताजा ओल। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं व्यू कितना ही प्यारा व्यू लग रहा है। और हम लोग चले अभी ओल खोदने के लिए, जिसको सूरन भी कहते हैं हिंदी भाषा में सूरन, और हम लोग अपना भाषा में बोलते हैं ओल। अच्छे से ना बेटा देख करके लगेगा यहाँ। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं सूरन के पास। देखिए ये सब जितने भी आप लोग देख रहे हैं ना, सभी के सभी सूरन है, बहुत सारे ही। देखिए सब के सब पेड़ बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। और चांदनी तो यहाँ छुप जाएगी, चांदनी थोड़ा सा भी नहीं देखेगी। यहाँ बहुत ही यहाँ झुंड है दोस्तों, बहुत ही यहाँ गजाड़ है। देख सकते हैं ओल के कितने बड़े बड़े ओल है। अभी हम लोग इसको खोदेंगे दोस्तों, ये फड़ा सा भी खोदेंगे। तो पहले इसको बैठाइए ना चांदनी को। हाँ, इसको बैठा। और मिठू को भी पहले यहाँ बैठा देते हैं। मिठू तो यहाँ बैठ गया ऊपर में, रुकिए चांदनी का बैठाने का जगह बना रहे हैं, क्योंकि झाड़ी में तो वो नीचे नहीं बैठाएंगे, सेफ नहीं रहेगा। देखिए यहाँ बैठ गई चांदनी ऊपर में, हो गया ना। अच्छे से नहा ना। हाँ ठीक है, चांदनी भी अच्छे से बैठ गई और मस्ती से झूला झूल रही है, और मिठू भी है। चलिए हम लोग इसको खोदते हैं सूरन को। चलिए हाँ, तो थोड़ा थोड़ा अगर पिल्ला टाइप का अगर दिखे तो समझिए कि वो ऑल तैयार हो गया सूरन। तो अभी हम लोग इसी को खोदेंगे और निकालेंगे अभी। इसी को हाँ इसी को खोदेंगे। तब आप खोदने का तैयारी कर रहे हैं, उसको सबसे पहले उसको छील लीजिए साइड साइड वाला। हाँ साइड साइड वाला सही कर लेते हैं। हाँ उसके बाद खोदेंगे। और उसमें कितना छोटा छोटा बीज है ना। हाँ थोड़ा थोड़ा दिखने लग गया वो, पूरा चारों साइड ऐसे ही साफ कर लेके उसके बाद खोदेंगे ना। हाँ अब चारों साइड पूरा। हाँ चारों साइड से पहले अच्छे से खोद लेंगे और निकालेंगे उसको। बहुत ही बड़ा सूरन है ऑल के, पत्थर उत्थर बहुत है ना। हाँ। तो लाइए हम खोदते हैं, लाइए छोड़ दीजिए अब। और चांदनी पथिया में बैठी हुई है। गिर गई गिर गई गिर गई गिर गई। अच्छा उठा दीजिए उठा दीजिए। हाँ उसी जगह बैठ के रहो बेटा। हाँ उधर गड्ढा, उधर होने जाना। पापा खोद रहे हैं। पापा टूट गया, एक टूट गया। हाँ वो छोटा छोटा है, कुछ नहीं होगा, बड़ा सब यही है बेटा।
खुद हो गया, आप थोड़ा सा खोदना इस साइड में। सो दोस्तों फाइनली हम ओल खोद लिए और देखिए बड़ा झाड़ी है, हाँ सीरन है। चलिए इसको लेके निकलते हैं और अब इसको धोएंगे। आजा आजा, हाँ चलिए इसको हम इधर लाद लेते हैं। आजा बेटा गोदी ले लेंगे इसको, आजा। हाँ देखिएगा अच्छे से आएगा ना। हाँ। चलिए कुआं पे चलते हैं, आप धोएंगे इसको। कितना ही बड़ा हम लोग का सूरन है दोस्तों। हाँ हम लोग इसको पानी उठाते हैं और धोते हैं सूरन को। हाँ हाँ चाकू भी ले आना। हाँ। इसको पहले काटिए इसको दोस्तों, पहले इसको काटा जाता है सूरन को। हाँ काट दीजिए उसको, हाँ काट दीजिए उसको। सूरन या ओल या क्या कहते हैं ना, हम लोग अपना लोकल भाषा में इसको ओल कहते हैं दोस्तों। ओल हर जहाँ अलग अलग नामों से जानते होंगे। और इसमें तेल और नमक ले लिए दोस्तों, क्योंकि ये जो है ना ये बहुत खुंजलाता है जहाँ जैसा, लेकिन हमारे यहाँ का तो उतना नहीं भी खुंजलाता है, कम खुंजलाता है। लेकिन हाथों में नमक या नमक तेल दोनों मिक्स करके लगा लीजिएगा, होने से खुंजलाएगा नहीं। और चांदनी भी इधर लगा रही है दोस्तों, इसको अभी धोएंगे ना इसको अभी हम लोग। इतना तक लगा लेते हैं? हाँ लगा लीजिए आप लोग। और चांदनी भी लगा रही है रगड़ रगड़ के, लगाना पड़ता है। हाँ चांदनी भी लगा रही है। और वो कितना बड़ा वो दिखाइए अब छू करके इसको ना। हाँ अब रिया जी लगा ले। और दोस्तों ऑल को हम लोग काट दिए, इतना बड़ा सूरन को इतना बड़ा हम लोग का है। चलिए इसको धोते हैं। अब रिया जी पानी उठा रहे हैं दोस्तों कुआं से, और ये कुआं का पानी थोड़ा सा गंदा हो गया दोस्तों बरसात का। हाँ और हमारे सूरन अब धुला रहे हैं दोस्तों, रियाजी धो रहे हैं सूरन को। चांदनी देख रही इधर खड़ा होके, क्या धोना है क्या तुमको भी? तुम खुंजलाएंगे ऐसे नहीं खुंजलाएगा ज्यादा। हाँ, ऐसे लगा लिए ना नमक लगा लिए हाथों में। और इधर ले आए अपना बैठीन, चाकू भी ले आए सारा सामान, यही छील लेंगे। और दोस्तों ये प्योरी है देसी वाला सूरन है, ये कोई हाइब्रिड वाला नहीं है। ये लोग खोद के अभी लोग खोद के लाए ही है बाड़ी से। पहले इसका जड़ सब हटा लेते हैं। हाँ इसका पहले जड़ सब हटाना पड़ता है। हाँ कितना जड़ है, बहुत ही बड़ा बड़ा जड़ है। इसको हटा लेते। रिया जी चोत रहे हैं इस तरह से। हाँ तब जाकर के अच्छे से हम लोग को धुलाएंगे। और चांदनी कितना अच्छे से निहार रही है, चांदनी भी सीखती है। इसको पूरा छीलना पड़ेगा। हाँ अभी छीलेंगे अभी उसको। वो चांदनी ले ली, क्या करोगी बेटा तुम? नहीं सकोगी तो मम्मी को करने दो, क्योंकि इनको आइडिया है, अच्छे से बना लेते हैं सूरन की सब्जी दोस्तों। अभी थोड़ा सा नमक लगा लेते हैं हाथों में, क्योंकि इसको फटाफट हम लोग करते हैं। अभी काफी समय लगता है सूरन को छीलने उलने में बनाने में, तो हम भी रिया जी का हाथ बटा देते हैं, जल्दी हो जाएगा ना। हाँ इसलिए पहले नमक और सरसों का तेल लगा लेते हैं हाथों में, ताकि जलेंगे नहीं। नहीं बेटा तुम, पर इसमें मिट्टी कितना है? हाँ बहुत बहुत ज्यादा मिट्टी है। दोस्तों हम लोग पूरा इसको रगड़ के अच्छे से पूरा धो लिए, पूरा ही अच्छा से सारा मिट्टी को हटा दिए हैं। इसको थोड़ा छील लेते हैं अच्छे से, ऐसे इसको छीलना पड़ता है इस तरह से। साफ कर देंगे छील। हाँ पूरा साफ कर देंगे अभी रिया जी छील करके। और ये कोई ज्यादा बड़ा नहीं निकला दोस्तों, ये छोटा है। हाँ ना इससे भी बड़े बड़े सूरन निकलते हैं, वो हाइब्रिड वाले जो होते हैं ना वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये तो देसी वाला है इसलिए छोटा है ये। हाँ ये वाला अच्छा लगता है। दोस्तों अच्छी तरह से हो गया है धोया हुआ सूरन, रिया जी धो रहे हैं साफ पानी से, पूरा अच्छे से धो लिया। हाँ अब चलिए अब लेकर चलते हैं अपना प्यारा सा किचन में, इसको हम लोग बनाएंगे। हो गया ना, ऊपर से डाल दे रहे हैं। हाँ चांदनी ले ली दोस्तों अपना माथा में। चलो चलिए हम ले लेते हैं पानी, है ना। और हम ये सब ले, हाँ अभी सब ले लीजिए। सबके लोग अपना अपना सामान को पकड़ लिए। हाँ कुदाली भी ले लीजिए, आ जाओ बेटा आ जाओ। दोस्तों हम लोग आ गए अपना प्यारा सा किचन में। चलिए यहाँ रख देते हैं बाल्टी को। अरे चांदनी गिरा दी ऐसे नहीं गिर गया था। अच्छा गिर गया था, आ जाओ बेटा आ जाओ, अब इसको लोग बनाएंगे। अच्छा ये तो दोस्तों हम लोग अब इसको तैयार करते हैं सूरन को, काटेंगे पीस पीस बनाएंगे दोस्तों।
देन पनीर की तरह बहुत ही टेस्टी सब्जी बनता है दोस्तों इसका। अब मिठू इधर बैठा हुआ दोस्तों सिलपट्टा में, आ जा। हाँ मिठू भी बैठ गए। हाँ मिठू देख रहा दोस्तों कैमरे को, और देखे दोस्तों कितना ही प्यारा लग रहा है। ये देखिए दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग कितना ही अच्छा है सूरन, और पीस पीस करके बना रहे दोस्तों रिया जी, बहुत ही अच्छा। रहने दो बेटा। और इसमें लोग नमक का छिड़काव करके सान करके नमक से छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए, है ना, मसाला उसाला का तैयारी करते हैं। हाँ क्योंकि इसमें नमक अगर भिन जाएगा ना तो फिर खुंजलाएंगे नहीं। रिया जी इसमें नमक दे दिए, और दे दीजिए थोड़ा सा। हाँ अच्छा हमने भी दे रही है। चलो मिठू आ जाओ, आ जाओ, इसको धूप में दे देंगे, आ जाओ। इसको यहाँ धूप में रख दे रहे हैं दोस्तों, इस जगह पे धूप है, देखिए यहाँ पे धूप है तो यहाँ पे रख दे रहे हैं। हाँ 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं इसको धूप में। तब तक वो लोग मसाला का तैयारी करते हैं दोस्तों, है ना जी। हाँ प्याज, हाँ प्याज वाज काट लेते हैं मिल करके, प्याज टमाटर। हाँ दोस्तों रिया जी प्याज को हमें काट काट के दे रहे हैं बैठिन में, और हम इसको अब काटते हैं, बारीकी से काट देते हैं छोटा छोटा करके। या पीढ़ा हम ले लिया दोस्तों, और पीढ़ा हम इसको हम काटते हैं प्याज को, धो लीजिएगा। हाँ ठीक है, धो के दीजिए हमको। हाँ ठीक है ना जी, काट रहे ना। तुम भी काटेंगे शादी के नहीं, मैं भी काटूंगी। इधर टमाटर भी काट दीजिए। टमाटर काट दे रिया जी, ऑर्डर करे जा रहे हैं मेरे को, एक साथ में टमाटर काट। अच्छा ठीक है काट दे रहे। अरे इधर कढ़ाई भी चढ़ा दिए। हाँ दोस्तों अच्छी तरह से काट लिए जो रिया जी हमें दिए थे काटने के लिए, प्याज और टमाटर। और इधर कढ़ाई भी गर्म हो गया। हाँ और हमारे इधर कढ़ाई भी गरम हो ही गए दोस्तों। इसमें अब हम लोग सूरन को फ्राई करेंगे तेल से, सरसों तेल से। तो कढ़ाई पे इधर तेल डाल दे रहे हैं रिया जी, थोड़ा इसमें ज्यादा तेल दिया जाता है दोस्तों, तेल का मात्रा। हाँ इसको अच्छे से भून रहा। हाँ तब जाके स्वादिष्ट बनेंगे। ये देखिए दोस्तों तेल का मात्रा, अब उसको ले आते हैं, सूख गया होगा। हाँ सूख गया होगा, लेके आ जाइए। देखिए इधर रखा हुआ सूरन तो रिया जी ला रहे है, सूख गया ना। हाँ सूख गया। हाँ अब इसको तेल से फ्राई करते हैं, जो लोग नमक दे करके रखे हुए थे धूप में। अब नमक डालने से उसका जो थोड़ा खुंजलाता है वो ठीक होता है। हाँ खुंजलाता है ना, वो नहीं खुंजलाएगा। और रिया जी इधर मसाला में क्या क्या निकाले हैं, मिर्च, हरी मिर्च, लहसुन और वो क्या जीरा। हाँ इसको मसाला। हाँ अभी सिलपट्टा में पीसेंगे, हमारा सिलपट्टा इधर रखा हुआ है। अच्छा इसको हम छोड़ देते हैं। हाँ हम फ्राई कर देंगे ना। हाँ फ्राई। अब इसको फ्राई करते करते रिया जी मसाला को पीस लेंगे, छोड़ दीजिए। गरम हो गया। हाँ सूरन को रिया जी कढ़ाई पे डाल रहे हैं दोस्तों, ये देखिए खाना हुआ जैसा बनेगा ये। हाँ अब इसको अच्छे से फ्राई कीजिएगा, हम मसाला पीस रहे हैं। क्या इसको फ्राई कीजिएगा। अच्छा रिया जी हमको फ्राई करने के लिए बोल रहे हैं, इसको चला दीजिए। हाँ तो चलिए हम इसको फ्राई करते हैं। हाँ रिया जी मसाला को पीसेंगे, धुआं भी काफी तेज लग रहा है दोस्तों। हाँ ठीक है, और कितने अच्छे से पीस बने हुए दोस्तों सूरन की, देखिए कहीं गिर ना जाए। हाँ फ्राई अच्छे से इसको हम फ्राई कर लेते हैं। और दोस्तों इधर फ्राई कर रहे हैं ऑयल को, और रिया जी मसाला को इधर पीस रहे हैं। हाँ बस अब थोड़ा सा बाकी रह गया पीसना मसाला, नहीं तो भी हो जाएंगे। थोड़ा और महीन होगा। हाँ थोड़ा और महीन होगा, और मेरा इधर ऑल भी अब तैयार हो जाएंगे दोस्तों। हमारा सूरन भी अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, अब इसको रिया जी अब उतारेंगे। और ये देखिए दोस्तों हमारे सूरन कितने ही अच्छे से फ्राई हो गए, लाल लाल। थोड़ा सा तेल डाल के प्याज, तो रिया जी इसमें और तेल थोड़ा सा डाल दिए हैं, और अब हम लोग टमाटर और प्याज को फ्राई करेंगे। हाँ रिया जी इधर डाल रहे हैं अब प्याज को, पहले प्याज डालिएगा ना, डर लगता है दोस्तों आपको। पहले प्याज भुना लेंगे उसके बाद टमाटर डालेंगे। हाँ दोस्तों हमारी प्याज भी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है,
अब इस पर टमाटर डालेंगे रिया जी। टमाटर भी डाल देते हैं? हाँ डाल दीजिए। अब मसाला डालना है ना? हाँ, इसको थोड़ा सा भून लीजिए। हाँ, इसको थोड़ा सा भून करके मसाला को इसे फिर डाल के फ्राई करेंगे। देखिए इतने अच्छे से भुंजा गए दोस्तों, और इसमें अब मसाला डाल रहे हैं रिया जी, जो सिलपट्टा में जो मसाला को पीसे हैं। अब इसमें थोड़ा सा हल्दी भी डाल देंगे। हाँ डाल दीजिए थोड़ा सा हल्दी कलर के लिए। अब अच्छे से मिला के और इसे चलाएंगे। और दोस्तों आप सभी लोगों को दिखा रहे हैं कि मिठू कैसे आराम से अभी यहाँ सो रहा है। ये देखिए, देखिए इतना आराम से सो रहा है, देखा अभी मिठू हमको। दोस्तों हमारा मसाला अच्छी तरह से तैयार हो गए और रिया जी अब हाँ सूरन को डाल रहे हैं, उसमें फिर डालने के बाद पानी डालेंगे, उसको भी थोड़ा सा मसाला के साथ फ्राई कर रहे हैं। हाँ अब देखिए, एक थोड़ा पीस है कि क्या है कुछ भी बता नहीं रहा। हाँ थोड़ा सा दे दीजिए ग्रेवी के लिए, पानी डाल दीजिए। हाँ ज्यादा नहीं दीजिए, फिर सही नहीं लगेंगे। ऐसे ही तो देखने में तो बहुत अच्छा खाना अच्छा लगेगा खाने में भी तो। और थोड़ा सा दीजिए, फिर उबलेगा ना। और थोड़ा सा दे दीजिए, बस करिए। हाँ हाँ, बस इसको खोलाना है, मतलब उबाल के बस उतारना, थोड़ा सा खोलेगा और उतारना सब्जी को। तो 5 मिनट हम लोग इसको उबलने के लिए छोड़ दे रहे हैं दोस्तों। चलिए हम भर लिए है ना। दोस्तों हमारे सब्जी भी कितने अच्छे से अभी खोल रहे हैं, ये देखिए बूंदा बूंदा कितने अच्छा लग रहा है, लेकिन है ना खोल रहा है इसीलिए दिखा। हाँ हो गया ना। हाँ, हो गया। अच्छा बना। हाँ अच्छा बना। और सब्जी हमारे रेडी हो गए दोस्तों। अब इसको साइड कर। हाँ उतार दीजिए सब्जी को। और बहुत ही अच्छा लेकिन स्वादिष्ट लग रहा है सब्जी आज, मतलब सुगंध आ रहा, अच्छा आ रहा स्वाद सब्जी का। उतार दीजिए है ना, मुंह से भी पानी आ रहा सच में। तो ये रहा दोस्तों हमारी सब्जी, सूरन की सब्जी। हाँ अच्छा बना है, ग्रेवी वाला मतलब थोड़ा ही सब्जी है, सब लोग देख रहे हैं। हाँ, इतना ही अच्छा बना। हाँ जी, आप लोग भी कभी ट्राई करिएगा दोस्तों सूरन की सब्जी, वाकई मतलब बहुत ही स्वादिष्ट होती है, खास करके मतलब देसी वाला। बनाने में दिक्कत नहीं। हाँ बनाने में उतनी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा खुजलाता है बस। हाँ, उसमें नमक लगा लीजिए, नमक और तेल। हाथों में नमक तेल लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उतनी। हाँ तो चलिए दोस्तों हम लोग खाना बनाएंगे चावल, और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे काम पे अपना, वो दर खोदेंगे अभी जा करके। तो चलिए दोस्तों आज की ब्लॉग यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आप सभी लोगों को आज की ये ब्लॉग वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, खुश रहे, खुशियां बांटे, बाय बाय दोस्तों।